दोस्तों, श्राप प्लस का लोकप्रिय सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दिव्या भटनागर का 34 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनकी मौत का कारण कोविड-19 वायरस बताया जा रहा है। वे पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में वेंटिलेटर में थी। फिलहाल तो दिव्या के निधन से टीवी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। आज हम आपको दिव्या भटनागर की फैमिली के बारे में बताएंगे। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं इनकी फैमिली के बारे में तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही अभिनेत्री दिव्या भटनागर की आत्मा की शांति के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दिव्या भटनागर एक भारतीय अभिनेत्री थी। इनका जन्म 15 सितंबर 1986 को दिल्ली में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। वहीं अगर दोस्तों बात करें इनके अभिनय करियर की तो आपको बता दें इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में चांद के पार चलो टीवी सीरियल से की थी। इसके अलावा दिव्या ये रिश्ता क्या कहलाता है सिलसिला प्यार का कभी हाँ कभी ना, कभी सौतन कभी सहेली, प्रीत और श्रीमान श्रीमती, फिर से तेरा यार हूँ मैं जैसे सीरियल्स में नजर आई। वहीं बात करें इनकी फैमिली की तो आप देख सकते हैं ये है दिव्या के पति जिनका नाम है गगन, जो कि एक प्रोड्यूसर है। बता दें पिछले साल 2019 में ही दिव्या के बॉयफ्रेंड गगन के साथ शादी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया था। लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 7 फेरे लिए थे। दोस्तों आपको सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों की एक्टिंग कैसी लगी थी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।